पूरे देश में लॉकडाउन के चलते प्रदेश के कई लोग एवं छात्र अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं, जिनके घर वापसी के लिए प्रदेश सरकार ने मुहिम भी तेज कर दी है। हमीरपुर के अधिकतर लोग चंडीगढ़ व पंजाब के क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने पहल करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष मुद्दे को उठाकर इनकी घर वापसी के प्रयास किए। चंडीगढ़ से जल्द ही हमीरपुर के लोगों को घर लाया जाएगा। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वार्ता के बाद हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सरकार द्वारा एक अधिकारी को तैनात किया गया है, जो चंडीगढ़ में रहने वाले हमीरपुर के छात्रों की घर वापसी को लेकर लिस्ट तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में फंसे छात्रों व लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर पर अपने डिटेल सेंड करें, ताकि ऐसे लोगों का पता लगाकर उनकी घर वापसी हो सके। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बातचीत के बाद ही बाहरी राज्यों के छात्रों या आपात वाले लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन में तैनात अधिकारी के पास लोग 8146313167 के पास जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमीरपुर जिला की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए हमीरपुर की जनता ने साथ दिया है और पूरे प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए लोगों ने सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से लोगों को लाने में कितनी सफलता मिलती है, उसके बाद ही दिल्ली, यूपी इत्यादि प्रदेशों से भी लोगों को लाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ही हमें पता लगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने जो कोटा में हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनको लाने का कुछ अरेंजमेंट किया है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज सुबह ही सीएम से बात की कि मैंने कहा हमारे बच्चे चंडीगढ़ में काफ़ी हैं और अकेले हैं, उनका इतने दिन लॉकडाउन में रहना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी लिस्ट है, जितने भी बच्चे हैं या जिनका भाई कोई बड़ा इमरजेंसी कोई ऐसा मैटर है, उन सब की लिस्ट हमें दो और उनका लाने का हम प्रबंध करते हैं। इसके बाद फिर मैंने उन्होंने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं संजय कुंडू जी, उनको ड्यूटी दी है। फिर उनका मुझे टेलीफोन आया और उन्होंने एक अनिल कपूर हिमाचल भवन चंडीगढ़ में, जिनका मोबाइल नंबर भी मैंने वैसे सर्कुलेट कर दिया, अभी मैं यहाँ से भी आप सबको मैं सूचित कर देना चाहूँगा कि 8146313167 अनिल कपूर जी हिमाचल भवन में बैठे हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं जो हमीरपुर जिला के हमीरपुर में आना चाहते हैं, वो डायरेक्टली जाके उनसे कॉन्टेक्ट करें और उनका आने का क्या माध्यम होगा, या कोई अपना उनका अरेंजमेंट है वो भी चलेगा, या उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो सरकार भी वहाँ पे लाने का कोई ना कोई प्रबंध उनका करेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं तो आम जनता से, हमीरपुर जिला के सभी निवासियों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जयराम जी ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी, खासकर हमीरपुर जिला के सभी निवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पूर्णतः माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइंस को फॉलो किया और उन्हीं गाइडलाइंस के चलते हुए हम यहाँ तक कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक अगर हम स्टेट्स का कंपैरिजन हिमाचल प्रदेश से करें तो हम उनसे बेटर पोजीशन में हैं। और मैं उम्मीद भी रखूँगा कि जैसे भी ऊपर से हमें डायरेक्शन मिलेगी हम सभी उनको फॉलो करेंगे और हम पूरी कोशिश में हैं जो हमारे बच्चे हैं या जो कोई बेचारे पेशेंट है, कोई जिनको बड़ा ही इमरजेंसी कोई काम है, हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में जल्द ही उन सब का हम यहाँ अपने घर में आने का जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे और उनका प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम। और दूसरा मेरा उन्हीं से भी निवेदन है, जो 1 मीटर या 2 मीटर जो भी आइसोलेशन डिस्टेंसिंग का उसका पूरा ख्याल रखें, वो अपना मास्क लगा के पूरी प्रिकॉशन लें, ताकि आने वाले समय में हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हमें अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें और आप निश्चिंत रहें। हम आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं और जैसे जैसे भी हमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगी उसका आपको पूरा फायदा दिया जाएगा। करें चंडीगढ़ से, देखते हैं इसमें कितनी सफलता मिलती है। और बाहर से भी जैसे लुधियाना में है, अमृतसर में है, कुछ यूपी से हमें टेलीफोन आ रहे हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में जो सूची चंडीगढ़ भी हमारे पास आने वाली है,
फिर उनको लाने के बाद जो बाकी जगह के हैं प्रोसेस एक बार चल पड़ेगा, तो मेरा उन्हीं को भी यही संदेश है, वो भी निश्चिंत रहें, जैसे प्रोसेस शुरू हो जाएगा हम उनको भी लाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।